प्रभु ये आगे वाला जो है डाकुओं का सरदार है। उत्तम, अति उत्तम, कुछ पूछो इससे। हे डाकू मानव, तुमने कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की है? ले भैया ओम फो, क्यों तुमने मेरे लिए कोई लड़की देखी है क्या? शादी करवानी है मेरी। असभ्य मानव, ये यमलोक है, मर्यादा में रहो वरना गरम तेल की कढ़ाई में डालकर तुम्हारा ले भैया ओम फो निकाल दूंगा। अरे साहब कैसी बात करते हो, मैं शिक्षा प्राप्त करता तो डाकू ही क्यों बनता? चित्रगुप्त, इसके पापों के बारे में बताओ हमें। प्रभु ये औरतों को लूटने का काम करता है, ये उनके गहने और इज्जत सब कुछ लूट लेता था। इसने अपने जीवन काल में कभी किसी आदमी को नहीं लूटा। क्या औरतों से इसकी कोई विशेष शत्रुता थी क्या? इतना ही नहीं प्रभु, ये स्त्रियों को अपने घोड़े के नीचे रौंद कर उनकी जान ले लेता था। अद्भुत चित्रगुप्त अद्भुत। हे स्त्री विनाशक, तू डाकू ही क्यों बना? डॉक्टर बनता, इंजीनियर बनता, इंस्टा रील्स पर लड़की बन जाता। अरे साहब डाकू बनने में भी कम रिस्क नहीं है। कितने आदमी थे, होली कब है, कितनी गोली इसके अंदर, बहुत कुछ हिसाब रखना पड़ता है। ये तो है प्रभु, काम तो ये भी रिस्क वाला ही है। और फिर मैं छोटा मोटा तो डाकू था नहीं, डाकू गब्बर सिंह जो था वो चेला था मेरा, मैंने ही उसे डाकूबाजी सिखाई थी। बंद करो अपना ये प्रलाप, तुम मेहनत करके भी तो कुछ कमा सकते थे। इस काम में सबसे ज्यादा मेहनत है प्रभु। इसका मतलब तुमने कभी मेहनत करने की चेष्टा नहीं की? नहीं प्रभु, मैंने मेहनत करके एक बार भट्टे पे काम किया था। ये दुनिया बड़ी जालिम है, मैं मार्केट गया सब्जी लेने, मेरी जेब काट ली किसी ने। स्त्रियों के साथ बहुत जुल्म किया है तूने, इसका तुझे कठोर दंड मिलेगा। मैं किसी स्त्री के साथ क्या जुल्म करूंगा, मेरी खुद की स्त्री तो खुद कालिया के साथ भाग गई। चित्रगुप्त जरा हमें भी कालिया के बारे में बताओ। प्रभु ये कालिया है, ये हमेशा अपने सरदार की बात करता है, यही ले गया था इसकी लुगाई को। क्यों रे, दूसरे की लुगाई पर गंदी नजर रखते हुए लज्जा नहीं आती? अरे प्रभु वो इसकी बीबी नहीं थी, हमारी टीम के लोगों ने किडनैप किया था उसको, सरदार ने उसे जबरदस्ती बीबी का दर्जा दे दिया। और प्रभु ये तीसरा मानव, इसका दूसरा साथी है, ये हमेशा सरदार के सपोर्ट में रहता था, ये भी इसकी लुगाई को भगाने की फिराक में था, पर इससे पहले कालिया हाथ मार गया। गलती कालिया की ही नहीं है सरदार, तेरी तो पूरी टीम ही खराब है। यमराज जी, इसी टीम की वजह से तो मैं यहाँ हूँ। और चित्रगुप्त ये औरत कौन है? प्रभु यही तो है वो अबला नारी जिसके पीछे ये डाकू गैंग पागल है। सॉरी, जब तुझे सरदार ने बीबी का दर्जा दे दिया था तो कालिया के साथ मुंह काला करने की क्या जरूरत थी? प्रभु ये सरदार तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सरदर्द निकला, इस दुनिया का सबसे बड़ा नामर्द निकला। और ये सरदार का सपोर्टर तो कुछ बोल ही नहीं रहा। प्रभु ये जिस वक्त मरा था तब ये भांग की नशे में था, इसे तो अपने मरने का पता भी नहीं है। सरदार घोड़े निकालो, आज गर्ल्स हॉस्टल पर धावा बोलते हैं। देखा प्रभु ये अब भी भांग के नशे में है, इसे नहीं पता ये मर गया। चित्रगुप्त इसको बताओ ये मर चुका है। ऐसे ही और मजेदार फनी वीडियोस देखने के लिए PM Toons को फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ही ना भूलिए।